नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल मटेरियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, जिसमें आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग कराया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 पर मंथ सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इस जॉब से रिलेटेड, इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंजीनियर्स के लिए यह अप्रेंटिसशिप NMDC यानी कि नेशनल मटेरियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की जा रही है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 10 मई 2021 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री सभी के लिए अप्रेंटिसशिप है। सबसे पहले यदि हम ग्रेजुएट की बात करें तो आपका 4 ईयर डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स माइनिंग में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनिंग। यदि आपका इन सभी में 4 ईयर डिग्री है यानी कि BE या फिर BTech है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल 16 पोस्ट है। सेकेंड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, जिसमें टोटल नंबर आप पोस्ट 13 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन माइनिंग कंप्यूटर साइंस में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए स्पेशल क्राइटेरिया की बात करें, यदि आपका डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI कंप्लीट हुए 3 ईयर हो चुका है तो आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ यदि आपने इसके पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसके साथ साथ यदि हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है, यानी कि 1 ईयर तक आपको प्रैक्टिकल तरीके से सभी कुछ सिखाया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। यदि आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है तो आपको 20,000 पर मंथ मिलेंगे, और यदि आपका डिप्लोमा के थ्रू अप्रेंटिसशिप है तो आपको 16,000 पर मंथ मिलेंगे, और यदि आपका ITI के थ्रू है तो आपको 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे 1 ईयर तक। 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी और 1 ईयर तक आपको यह स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डिग्री, डिप्लोमा और ITI में आपका जो परसेंटेज होगा उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको MHRD NATS पोर्टल पर इनरोल करना होगा। यदि आपने इस पोर्टल पर अभी इनरोल नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप MHRD NATS पोर्टल पर इनरोल करिए, और इनरोल करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एज में छूट और रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। सो इस फॉर्म में बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस फॉर्म को फिलअप करने का और इसके साथ साथ अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। स्टेप टू स्टेप बताया गया है कि इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।